पर बरखेड़ा गांव में है। जिस माँ का जवान जवान बेटा चला जाए, वो माँ बेचारी रोटी कैसे खाती होगी, कैसे रहती होगी, ये तो उसी का दिल जानता है या भगवान का दिल जानता है। हाँ जी मैडम जी, ये बताइए, आपको अपने बच्चे का जब काम खाना खाती हैं या घर का घर में आप बिजी काम करती हैं, तो बेटे की याद आपको आती है? बहुत ज़्यादा करके इनमें बोलने की समर्था नहीं है, क्योंकि एक माँ का जो माँ का दिल है वो माँ ही जानती है, क्योंकि वो अपने दिल का दर्द बेचारी बोलकर नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी कंडीशन खराब है, क्योंकि जिस माँ ने अपने आंगन में बच्चे को खिलाया है, उस आंगन में खेल खेल के बच्चा बड़ा होता है, जब बेटा जवान हो जाए तो वो ही घर से चला जाए। वो माँ बेचारी 2 ढाई 3 महीने हो गए उसको गए, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत बुरा हाल है इनके घर में, बिल्कुल घर में जैसे मातम छाया है वैसे ही घर का माहौल है। और ये गरीब आदमी है बेचारे, मेहनत मजदूरी करके रोटी खा रहे हैं, इनके पास कोई भी लफ्ज़ नहीं है कि ये बोल सकें। हम पूरे उत्तर प्रदेश निवासियों को यही निवेदन करते हैं कि कृपया एक माँ के आंसू को समझें, माँ का दर्द समझें। अगर आपको ये बच्चा दिखाई देता है तो इस माँ पर रहम करें, तरस करें। जो नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप तुरंत कॉल करें। अगर आपको कोई खर्चा पानी चाहिए, कोई पैसा चाहिए, तो ये हमारा परिवार का मेंबर है, हम आपको देंगे, पर कृपया एक माँ को उसका बेटा मिला दीजिए। जहाँ भी बैठा है हमारे बंदे, इनके गांव के व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएंगे, हम खुद जाके ले आएंगे, इसको वहीं रोक कर रखो। तो कृपया हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, उनको भी यही निवेदन करते हैं कि आपको अगर कहीं ये बच्चा दिखाई दे तो एक माँ के लिए इस बच्चे को अपने पास पकड़ कर रखें, और जो नंबर इस पर स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर कॉल करें, ताकि एक माँ को बेटा मिल जाए। उस माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, जब माँ खुश होती है तो ऊपर वाला भगवान भी खुश होता है। इसलिए माँ की दुआएं हैं, हमें पूरी उम्मीद है हमारा भगवान है, भोले शंकर हैं, वो पूरी मदद करेंगे। ख्वाजा पीर साहब भी कृपा करें, सभी से यही निवेदन है कि एक माँ के दर्द के सामने हमारे पास भी कोई लफ्ज़ नहीं है कि हम लफ्ज़ बोल सकें। हमारी पूरी टीम इनका पूरा साथ देगी। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कृपया अगर आपको ये बेटा कहीं भी दिखाई दे तो आप हमें तुरंत कॉल करें, इनके गांव के व्यक्ति, और हम वहां पर पहुंचेंगे, हम खुद इस बेटे को अपने घर ले आएंगे, और आपका जो मान सम्मान होगा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।